क्या खाक वो जीना है जो अपने लिए हो, खुद मिट कर किसी और को मिटने से बचा लें। कायनात की हर चीज़ दूसरों के लिए ही है और मशहूर फ़लसफ़ी इब्न तुफैल ने इसे वो राज बताया है कि जिससे इंसानी मुआशरा खुश व खुर्रम रह सकता है। चराग खुद जलता है दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, दरख्त फल देता है दूसरों के खाने के लिए, दूसरों के काम आने का बोझ उठाना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए वेलफेयर का काम करना, उनके लिए फलाह बहबूद का काम करना ही अहम तरीन नेकी है और हमारे मुआशरती हमारी जिम्मेदारी भी है। ये जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभा रही है एक बरतानवी फलाही तंजीम पेनी अपील, जिसे खिदमत खल्क पर बरतानवी मलका ने एजाज़ से भी नवाजा है। और पेनी अपील को पाकिस्तान में काम करते हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और आज इस तंजीम के बानी अदीम यूनस और बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शेडो मिनिस्टर बराए कम्युनिटी हम आहंगी नाज शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इसी पेनी अपील के बारे में जानेंगे, पाकिस्तान में किस तरह से ये जो है अपना किरदार अदा कर रही है और लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है। हमारे साथ अदीम यूनस और नाज शाह साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू पाकिस्तान नाज। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वेलकम का। अच्छा, इसे ये बताएं सबसे पहले कि कैसा चल रहा है आपका ये पाकिस्तान का हैपनिंग्स अ टूर? ओह अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जितना भी कहूँ ना तारीफ करूँ कम है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतनी यहाँ इज्जत मिलती है। वेलकम भी हमेशा प्यारा होता है मगर इस दफ़ा ना पहले से भी ज़्यादा। और कोविड के बाद पता है इतने महीने ट्रैवल नहीं कर सकते और मैंने बहुत मेहनत की थी रेड लिस्ट को से उतारने के लिए पाकिस्तान को, तो उसका फ़ायदा तो उठाना था तो आ गए। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इसकी वजह क्या थी आपको, व्हाट ब्रॉट यू टू पाकिस्तान? तो मेरी तीन वजह थी। एक थी कि मेरी रिलेशनशिप्स जो हैं यहाँ के मिनिस्टर्स, मेरी डायस्पोरा कम्युनिटी में ब्रैडफोर्ड से मेरा तलक है, ब्रैडफोर्ड वेस्ट की मैं पार्लियामेंट से वहाँ से जीती थी और वहाँ हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और वो हमारे लैंड ग्रैब के इशू होते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसले होते हैं तो उनसे हमारे रिश्ते बहुत मजबूत करने हैं हमने। दूसरी बात ये थी कि घर वालों को भी मिलना था, आज़ाद कश्मीर में भी जाना था एक दिन तो दो दिन वहाँ। और फिर तीसरी थी कि ये एनजीओज़ के वर्क जो है, खास करके पेनी अपील और एनजीओ के जो काम ब्रिटिश जो पाकिस्तानीज़ हैं यहाँ के, वहाँ के जो यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ के फ़ायदे और यहाँ की तरक्की के लिए, उनको भी देखना, उनको भी सपोर्ट करना। तो ये तीन थे मेरे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदीम, आप ये बताइए कि पहले भी जब आप हमारे प्रोग्राम पे आए थे, पाकिस्तान का टूर कर रहे थे, तो उस वक्त भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, अब भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कैसा जा रहा है आपका टूर? बहुत बहुत खूब रहा है। जैसे नाज ने कहा था कि पाकिस्तान इज द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड वाइड, यू नो यू डोंट गेट द हॉस्पिटैलिटी लाइक यू डू इन पाकिस्तान। तो दो साल के बाद इट्स बीन यू नो ह्यूजली मिस्ड। इस मरतबा मैं मम के साथ आया हूँ। अच्छा। और वो भी यू नो उनको लॉकडाउन के बाद वो बहुत मिस कर रही थी गांव और गांव की जो बातें हैं, गांव की जो आदमी है और सब। सो बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट टाइम जब आप आए थे, इट वाज 2 इयर्स अगो, उन दो सालों में क्या प्रोग्रेस हुई है पेनी अपील की? जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे थे ना, वो दो साल में बहुत जवान हो गए तो उनको देख कर बहुत खुशी हुई है। रियली हार्ट फेल्ट, ये जो है ना, लाइफ जस्ट गोज ऑन, कैरीज ऑन थ्रू कोविड, थ्रू हार्डशिप। जो हमारे जो पेश आता है ना, इजी टाइम्स और हार्ड टाइम्स, वो इट पासेस, टाइम जो है ना वो पास हो जाता है। तो इस बहुत हमने काम किया है दो सालों में कोविड के इलाज में पाकिस्तान में। इंटरनेशनली पेनी अपील ने बहुत काम किए, लेकिन कोविड के मसले में भी पाकिस्तान में बहुत, अफगानिस्तान में भी वो बहुत ज़्यादा काम किया है। अच्छा। तो इस द टीम इज़ बीन वर्किंग फिनोमिनली हार्ड एंड यू नो अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट ओनली इन पाकिस्तान लेकिन हमारे जो है ना ग्लोबल, पेनी अपील का जो ग्लोबल काम है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है इन दो सालों में। और ये जो सब कहानी है ये सब पाकिस्तान में पैदा हुई है। जो उसके जो बी था, उसका जो सीट था वो पाकिस्तान में जो है ना प्लान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ और भी अगर हमें आप डिटेल्स दे सकें कि 2009 से लेकर अब तक पाकिस्तान में पेनी अपील काम कर रहा है तो कितनी एक्सपेंशन हुई है, कितने ऑर्फन होम्स बने हैं और कितने लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई हैं? डू यू हैव फिगर्स? जो हमारे नीली 40,000 यतीमों की कफालत हुई है, सो इट्स अ ह्यूज नंबर। हम जो है ना बहुत, हम ऐसे कहते हैं कि द होल साइकिल ऑफ पॉवर्टी हम ब्रेक करने चाहते हैं, फ्रॉम मटर्नल हेल्थ टू यंग चिल्ड्रन, यतीमों की, बेवा औरत की, खाने की, क्लीन सेफ हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन की, ऑल द वे ओवर टू एंड ऑफ लाइफ केयर जो आता है ना, ओल्ड पीपल होम। हमारा प्रोग्राम है अडॉप्ट ग्रांड, तो वहाँ नाज भी गई थी विजिट करने के लिए। सो हमारे जो प्रोग्राम्स है ना वो सब फॉर 360,
क्योंकि जो आदमी के पास पानी नहीं है, जहरी बात है उसके पास खाना भी नहीं होगा, जहरी बात उसके पास एजुकेशन भी नहीं होगा, तो एक उसकी ज़रूरत जो है ना वो उससे उसकी ज़िंदगी पूरी नहीं, मुकम्मल नहीं होगी। वो सब ज़रूरतें उसकी उसकी उनकी होगी, बच्चों की सब ज़रूरतें होंगी। तो पेरी की अपील का ये है कि वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करने के कोशिश में है। बिल्कुल ठीक है, कीप डूइंग द गुड वर्क। नाज, आपकी तरफ आएंगे, पेनी अपील से आपका कनेक्शन कैसे जुड़ा और व्हाट इंस्पायर्ड यू? तो पेनी अपील हमारी एक ब्रिटिश चैरिटी है जो पार्लियामेंट में है, वो ये काम करते हैं, लॉन्च करते हैं रिपोर्ट, वहाँ भी बहुत काम करते हैं अडॉप्शन के बारे में और चीज़ों के बारे में। और यहाँ हमारी और पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है जिसकी मैं वाइस चेयर हूँ, ब्रिटिश मुस्लिम्स की, वो भी इसको भी सपोर्ट करते हैं। और हमारे लिंक्स काफ़ी हैं क्योंकि वेकफील्ड में है, हम ब्रैडफर्ड के हैं, हमारे तलक चैरिटी जितनी भी है ना हमारे सब के साथ तलक रहता है। और पेनी अपील जब मैं आ रही थी तो उन्होंने कहा कि चलें हमारे भी प्रोजेक्ट, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं आई थी 3 साल पहले तो इनकी जो घर है ना, जो बुज़ुर्गों का घर है स्वाभा में, वहाँ गई थी और वहाँ बुज़ुर्गों से मिली थी और फिर मुझे खुशी हुई थी उनको दोबारा मिलने की। और जो बच्चियाँ पहली दफ़ा मैंने मिली हूँ, 2 घरों में, 2 यतीमखानों में मैंने विज़िट की है। और ऑनेस्टली कि मैं बताऊँ ना कि वहाँ की बच्चियों से इतना इंस्परेशन मिलता है, उनको जो मौके दिए जाते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए, यानी कि एजुकेशन। एक जो है ना, एक केस बहुत मुझे दुख लगा था। अच्छा। वो था कि एक तो औरतें वहाँ जाती हैं, बच्चों औरों के बच्चे पालती हैं और अपने बच्चे भी वहाँ लेकर जाती हैं क्योंकि उनका सहारा कोई भी नहीं होता। और एक कैप्टाबाद की थी, इसी तरह उनके अबू का कत्ल हो गया था तो वो औरत जो थी 2 बच्चियों को लेकर यहाँ इस्लामाबाद आई। उसकी भी 4 महीने पहले, 5 साल से यहाँ काम कर रही थी और 4 महीने पहले उसकी भी कैंसर हुई और वो भी उसका भी इंतकाल हो चुका। तो बच्चियाँ जब मिली थी ना, मुझे दोनों बच्चियाँ जब मिली थी, यकीन करें उन्होंने कहा कि हमने अपनी अम्मी की ख्वाब को पूरा करना है, मैंने डॉक्टर बनना है। वो अलजेब्रा पढ़ रही थी तो मैं कही थी ये क्या है, तो वो मुझे अलजेब्रा सिखा रही थी और इतनी ज़हीन थी, ए स्टार स्टूडेंट्स माशाल्लाह। और अगर वो गांव में होती या कोई ना होता उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ एक एक को एक नवाला भी देना, एक किस्म एक ढंग का खाना जो है एक बच्चे को देना, वो भी कॉस्ट है क्योंकि यहाँ की डेली वेज होती है गांव में। और उस उन बच्चियों के लिए वो मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह वो डॉक्टर बन के ही रहेगी, उसकी बहन भी डॉक्टर बन के ही रहेगी, अपने पाँव पर खड़ी होगी, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, यहाँ की तरक्की होगी। तो इस लिहाज से ना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करूँ क्योंकि वुमेन्स एम्पावरमेंट जो है ना वो एक अहम चीज़ है। मैं यहाँ इनके मर्दान गई थी, वहाँ इनकी इनने मस्जिद की तामीर की थी, वहाँ वो इनके डिज़ाइनर को लेकर गई थी, आबरा हैदर को भी, और वहाँ भी हमने यही कहा कि अक्सर जब पाकिस्तान को देखा जाता है तो ऐसी एनेक से कि वुमेन्स राइट्स आगे नहीं है, मगर देखिए ये एक कंट्री है जिसमें चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चैलेंजेस हैं, मगर हम कम से कम करना हमें चाहिए कि औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की एजुकेशन। यहाँ 22.8 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ते, उनमें से 56% लड़कियाँ हैं और 44 तकरीबन लड़के हैं, बच्चे हैं। जब भी मैं अभी फातिमा जिनाह यूनिवर्सिटी में भी गई, वहाँ भी मैंने तकरीर की, जब तक आप बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस मुल्क की तरक्की नहीं होगी, नहीं हो सकती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा ये बताएं नाज कि आप बरतानिया की स्टेट मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड इक्वालिटीज़ हैं। अब जाहिर है प्रॉब्लम्स तो हम दोनों ममालिक की, बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी, ख़वातीन की डिफरेंट भी हैं और एक जैसी भी हैं। पोटेंशियल को आप कैसे कंपेयर करती हैं ख़वातीन के? देखें, यू कांट कंपेयर, सेब और अनार की कंपेयर नहीं हो सकती, ठीक है ना, या केले की और सेब की, सो वी कॉल एन एप्पल एंड अ पेयर, राइट? तो उसको बराबर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वहाँ की, अगर देखें तो वहाँ की जो गुर्बत है ना, जब भी मैं तकरीर करती हूँ पार्लियामेंट में तो अभी कोविड की वजह से हमारे 2.8 मिलियन जो घर हैं वो एक मील स्किप करते हैं। वहाँ इंग्लैंड में इतनी गुर्बत है, मेरी कंस्टिट्यूएंट्स में सबसे ज़्यादा पैदा होती है जो गुर्बत है ना, चाइल्ड पॉवर्टी सबसे, इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग चाइल्ड पॉवर्टी है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, ब्रैडफोर्ड वेस्ट में। तो वहाँ भी अगर जेंडर पे गैप देखें, रेस पे गैप देखें, वहाँ भी अगर फुटसी 100 में देखें तो औरतें वहाँ भी कामयाब नहीं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बैरूनी मुल्क हैं, वेस्टर्न मुल्क हैं, उन्हें वो औरतों के हकूक को सही करते हैं, क्योंकि मैं मुसलमान औरत हूँ, मुझे पता है कि मेरी चैलेंजेस की वहाँ क्या है। मगर ये जो अगर GDP के लिहाज से देखा जाए वो 6 नंबर पर है ब्रिटानिया, सो 6 richest कंट्री, योर्स इज 198, तो कंपेयर नहीं कर सकते। मगर ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें जो औरतों की हकूक है ना, मैं यहाँ से जब बात करती हूँ, मेरी स्पीच के टाइटल थी इस्लाम, वुमेन एंड पाकिस्तान,
کیونکہ اسلام نے جو ہمیں 14,000 سال پہلے جو ہمیں حقوق دیے تھے, جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیثیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں نے جنگیں لڑی, اکیڈیمکس تھیں, یو نو سائنس دان تھی, کیا کیا کام ہے جو عورتوں نے نہیں کیا, اور ہم ریگریس ہو رہے ہیں اور پیٹریارکی کی وجہ سے ریگریشن ہو رہی ہے. اور اگر دیکھیں جب پاکستان بنا تھا, جو ہمارے قائد اعظم نے اس کی تعمیر کی تھی, جب وہ خواب دیکھے گئے تھے علامہ اقبال کے, تو اس خواب کے اس وقت بھی فاطمہ جناح اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ بیٹھتی تھی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی عورتوں کو آگے ہونا چاہیے. اب ہسٹری تھی اور اب ہماری ریگریشن کیوں ہو رہی ہے, تو اس پر میں زیادہ توجہ دیتی ہوں, اور اس لیے ان کے ہومز میں زیادہ بہت خوشی ہوئی بچیوں کو دیکھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ناز, پھر ادیم آپ کی طرف بھی آئیں گے, کہ وہاں کی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں آپ, یہاں پر بھی پارلیمنٹیرین سے ملی ہیں, پاکستان کے پارلیمنٹیرینس کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کرنی چاہیے, جو وہ نہیں کر رہے, جس سے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے؟ دیکھو, یہاں تو میں کبھی بھی کسی حکومت پہ جا کر وہاں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی بزنس وہ جانتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتی. مگر یہ ضرور کہوں گی کہ ہم جو ہیں ان کو سپورٹ ضرور کریں گے, یہاں کی جتنی بھی پارلیمنٹیرینس ہیں, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. اور پارلیمنٹری کوکس کو بھی میں جب پچھلی دفعہ آئی تھی, میں نے کیبنٹ یہاں کے کیبنٹ کو بھی ایڈریس کیا تھا, بارنس وارسی بھی آئی ہوئی تھی, اور یہاں کے ایم این ایز کو پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ ہم نے ٹریننگ دی تھی, اور وہ ڈیلیگیشن میں نے لیڈ کی تھی. اور اب بھی میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی ہماری یہاں ملیکہ بہاری ہیں, انہوں نے اپری میں جا کر میں نے وہ لیکچر کیا تھا, ڈسٹنگوش لیکچر کیا تھا کشمیر اور اسٹریٹ کامس کے, یو نو وٹ از آر رسپانس ٹو کشمیر, اور وہاں جو اسٹریٹ کامس کی اسٹریٹجی میں بات کی تھی, تو ملیکہ بہاری نے بھی مجھے میں بہت پراؤڈ ہوتی ہوں کہ ایسی عورتیں یہاں ہیں جیسے ملیحہ لودھی کو ملی ہوں, ان کے کندھوں پر ہم آگے بڑھتے ہیں, بے شک وہ اس ملک میں ہیں, مگر ہمیں انسپریشن ملتا ہے کہ یہاں آپ کی چاہے کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق رکھتی ہے, جب عورت کامیاب ہوتی ہے نا, تو وہ عورت کی کامیابی ہم سب عورتوں کی کامیابی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے میں ضرور کہوں گی کہ ہم نے عورتوں کو نہیں کہنا, اگر کہنا ہے تو مردوں کو کہنا ہے, کیونکہ عورتوں پرابلم عورتوں کی نہیں ہے, پرابلم ہے اسٹرکچرز کی. اور جب تک آپ کلچر نہیں شفٹ کریں گے, تو وہ کلچر کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ مردوں کی ہے, یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے وومن ٹو بی اے فیمنسٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے مسلم ٹو انڈرسٹینڈ اسلاموفوبیا, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی بلیک ٹو انڈرسٹینڈ ریسزم. تو جب تک ہمارے بھائی بیٹے ماموں چاچے سب ہمارے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے, ہم کو آگے نہیں کریں گے, تو سپورٹ نہیں کریں گے, تو پھر یہ پرابلم ان کی ہے, ہم عورتوں کی نہیں, یہ فکس کرنے کے لیے مردوں کی. بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. اچھا ادیم, آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بک ہے جو اب آئی ہے, اسمال چینج بگ ڈفرینس, اچھا اس پہ لکھا ہوا ہے 0 to 100 million people, 100 million pounds in just 10 years, تو یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں, یہ جو سکسیس ہے اس بک کی یہ کیسے ہوئی, اور 0 to 100 million pounds تک کا سفر یہ کیسا تھا آپ کا؟ تو یہ جو ہے نا, یہ جرنی ہے پینی اپیل کی. جو پینی اپیل کی جرنی شروع ہوئی تھی جب میں صرف 6 سال کا تھا, اور میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, اور اس ٹائم پہ جو ہے نا, وہاں انگلینڈ میں ہماری بہت دیکھ بھال ہوتی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, اسکول یونیفارم کے, ایجوکیشن, ہیلتھ, میلز, سب حوالے سے فلی سپورٹ کرتے, لیکن پھر بھی تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی تھی. یو نو مائی موم از اے ویری اسٹرانگ لیڈی لائک ناز شاہ, موم از اے ویری پاور ہاؤس, لیکن یو نو دیر از آلویز یتیم ہی ہوتا ہے. تو اس کا جو ہے نا محسوس اتنا نہیں ہوا تھا یو کے میں جب, لیکن میری بزنس سکسیزفل ہوئی تھی اور میں واپس پاکستان لوٹ آیا, تو پھر مجھے فیل ہوا تھا کہ پاورٹی کیا ہوتی ہے, اصلی پاورٹی کیا ہوتی ہے. جب میرے والد صاحب گئے تھے انگلینڈ, تو انہوں نے چھوٹا سا مکان گاؤں میں بنایا تھا, مڈ ہاؤٹ, اور وہ میں اس کے بارے میں آستا تھا کہ میرا جو ڈبل گیریج ہے نا گھر پر, اس کی بیٹری فاؤنڈیشن ہے, بیٹری الیکٹرکس ہے, بیٹری انسولیشن ہے, اور یہ کیا ہے, ایک مڈ ہٹ ہے. تو یہ یو نو دیٹ واز جسٹ امیزنگ فار می ٹو ریئلائز دا خدا کے, یو نو الحمدللہ سو مچ. If I was born, میری پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی, تو آئی ووڈ ناٹ بی ایبل ٹو افورڈ ون پیر آف شوز. اس گاؤں میں نہ سڑک ہے, نہ پانی ہے, نہ الیکٹرک ہے, نہ یو نو نو گیس, تو وہ بالکل آئسولیٹڈ تھا. تو اس کے بعد میں نے ایک ٹیچر کو سپورٹ کیا تھا, اس کا نام تھا علی. علی جو ہے نا, وہ اتنا اس کے پاس محبت تھی اور رسپیکٹ تھا, جب وہ جاتا تھا تو پیچھے سے واک کرتا تھا لائک مائیکل جیکسن مون واک, تو اس کی اتنی عزت تھی, تو وہ مجھے شکریہ ادا کرتا تھا, بہت تھینک یو وہ ایجوکیشن کے بعد میں
को इफ यू टेक द जनरेशन इफ यू गेट देम आउट ऑफ पॉवर्टी यू फिक्स द यू गेट देम आउट गिव देम एजुकेशन यू गेट देम आउट ऑफ पॉवर्टी लिफ्ट देम आउट ऑफ पॉवर्टी तो उसकी तनख्वाह जो थी ना 30 pounds थी 30 pounds अ मंथ स्टर्लिंग तो जब मैं वापस गया था इंग्लैंड तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गाड़ी थी तो गाड़ी खाली थी उसके पेट्रोल नहीं था तो मैंने फिल की थी गाड़ी उसमें यू नो जस्ट यू जस्ट लीव है क्योंकि ओके नो प्रॉब्लम तो जब वो क्लिक हुई ना तो मैंने देखा ऊपर उसके 90 pounds तीन महीने की तनख्वाह तो अली की जो तनख्वाह है अली की ज़िंदगी उसकी वाइफ की ज़िंदगी बच्चे चार बच्चे उनकी ज़िंदगी अली के माँ बाप की ज़िंदगी तीन महीने मैंने आप मेरी गाड़ी में डाल दें पास ख़त्म आई वॉज सो डिस्गस्टेड मैं ओ माई गॉड ये मैंने क्या किया है अली की जो है ना इतनी इस कंपैरिजन इज़ अनबिलीवेबल हमारी गाड़ी में पेट्रोल होता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं हमारे कॉफ़ी क्या होते हैं जिम मेंबरशिप होते हैं ये हम पैसा ज़ाया करते हैं ऐसा ज़ायद करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव मेट अली से मुलाकात हुई अली के से बातचीत हुई मोहब्बत हुई तो मैंने उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि पेनी अपील जो है ना छोटा सा पेनीज जो हम पेनीज हैं अपील करें तो ये एक चैरिटी नहीं है ये ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है ना उनके उन वो हमारे पीछे एक मूवमेंट है दैट्स वाई द सक्सेस ऑफ पेनी अपील इज सो ह्यूज द लाइक्स ऑफ नाज़ शाह एमपी द लाइक्स ऑफ जेम्स खान मेविस शायात हुए वी हैड बी हियर बिफोर पीपल लव दैट मूवमेंट के स्मॉल चेंज उनकी जो है ना 1 pound, 2 pound, 5 pound, 10 pound महीने के उनकी जो है डोनेशन होती और ये मज़े की बात है ये एक इस्लामिक तरबियत भी है इसे सुनना ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दैट यू नो यू गिव स्मॉल बट यू गिव ऑफ्टन ये जो नहीं है एक लाख पौन या करोड़ देंगे एक वक्त हमारी चैरिटी हो जाए लेकिन थोड़ा सो एंड इट्स ब्यूटी बिकॉज आई लर्न मैंने जब पाकिस्तान में आई लर्न अबाउट द चैरिटी आई लर्न अबाउट द हॉस्पिटैलिटी आई लर्न अबाउट द सक्सेस इन मैनी वेज पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानों को देख कर क्योंकि यहाँ पर जब कोई आएगा ना मांगने के लिए वो थोड़ा सा छोटा सा जो पैसा है ना वो यहाँ पर ये लो दिस इज़ एग्जैक्ट द सेम थिंग अलहमदिल्ला पेनी अपील जो है ना वो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे पास बहुत सारा काम किया 52 कंट्रीज़ में ग्लोबली हम काम करते हैं इमरजेंसी जस्ट शाय ऑफ 2 million पाउंड स्टर्लिंग हमारी एवरी ईयर जो है ना पाकिस्तान में हमारे होता है तो ये द जर्नी ऑफ पेनी अपील इसका जो सफ़र है वो बहुत अमेजिंग हाइज लेकिन इसमें बहुत सारे लोज भी थे लोनली टाइम सैक्रीफाइस हार्ट ब्रेक्स पेन तो वो भी हमने इस बुक में शामिल किया कि हाउ डू यू क्रिएट अ वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हाउ डू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच नॉट ओनली हेल्प्स फीड पीपल बट ऑल्सो वॉट वी वॉन्ट हमारी जो है ना ख्वाहिश है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो इंस्पायर दूसरों को इंस्पायर करेगी जो मेरे पास वालद नहीं थे जब मैं छः साल का था तो सब ने कहा था ये इसका क्या होगा मुझे वो मेमोरी बहुत विविड है कि यू नो मेरे एंटीज़ भी लोकल कम्युनिटीज़ के एंटीज़ भी बस अल्लाह इसका मालिक है लेकिन यू नो आई डिड नॉट लेट दैट स्टॉप मी एंड इट्स ऑल अबाउट द टीम वर्क वी हैव अ वेरी चीज़ी सेइंग इन पेनी अपील आई हैव बहुत सारी चीज़िंग सेइंग्स है लेकिन एक जो है ना वो टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क मेरी जो ड्रीम है ना मेरी जो काइंड ऑफ विजन है वो अकेला मैं नहीं कर सकता वी हैव टू हैव पीपल अराउंड यू यू हैव टू हैव गुड पीपल अराउंड यू टू कम टुगेदर एंड ड्राइव दैट विजन एंड ड्राइव दैट ड्रीम फॉरवर्ड मेक दैट ड्रीम अ रियलिटी सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी अदीम साहब मतलब सुन के ही वो अली वाली बात जो आपने कहा कि मैंने अपने गाड़ी की टैंक में उसकी 3 महीने की तनख्वाह भर दी एंड जस्ट लाइक दैट आई वॉज जस्ट यू नो आई वॉज फीलिंग कि भाई कुछ करना है हैट्स ऑफ टू यू अदीम फाइनली फ्यूचर विजन क्या है आपका पेनी अपील के लिए पाकिस्तान के लिए जो फ्यूचर विजन है कि हम पॉवर्टी एलिविएट कर देंगे एंड दिस इज़ यू नो माई ओन रियलिटी माई ओन जर्नी हैज़ बीन समथिंग विच हैज़ बीन एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेस एंड आई बिलीव वी कैन डू इट पाकिस्तानी हम देखते हैं पाकिस्तानी पीपल जो यूके में होते हैं टॉप सर्जन्स टॉप लॉयर्स टॉप सोलिसिटर्स टॉप अकाउंटेंट्स जो सब टॉप प्रोफेशन में होते हैं वो उनमें शामिल होते हैं पाकिस्तानी तो वाई कैन पाकिस्तानी पीपल नॉट मेक पाकिस्तान द ग्रेट कंट्री दैट इट नीड्स टू बी दैट इट शुड बी तो वो कैसे करेंगे तो हम जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानीज ब्रिटिश पाकिस्तानीज अमेरिकन पाकिस्तानीज कनेडियन पाकिस्तानीज ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानीज हमारी जो यू नो इवन द सेकेंड जनरेशन थर्ड सेकेंड जनरेशन हमारे दिल में ग्राइम दिल की ग्राइयों में यही है कि
کہ ہماری جو ملک ہے نا وہ گریٹ ہو جائے تو ان شاء اللہ دس ول بی اے ہیوجلی گریٹ country once again and we all want to be part of that success inshallah ji inshallah we all will be the part of that success finally naz aap ki taraf se hamare viewers ko kya ek one line of message aap dena chahengi بہت بہت شکریہ آپ نے جو مجھے دل سے محبت سے اور ویلکم کیا پاکستان پاکستان کی بیٹی ہوں کشمیر کی بیٹی ہوں اور مجھے بہت ہی دو سال کے بعد نو تین سال کے بعد تقریباً آئی ہوں اور بہت ہی بے حد خوشی ہوئی پروجیکٹس کو بھی دیکھ کر یہاں کے جو مسائل تھے ان کو سن کر یہاں کے جو منسٹر سے اور پرائم منسٹر سے جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ ہماری ڈائسپورا کمیونٹی کو اور پاکستان کی ریلیشن شپ اس سے مضبوط ہوتی جاتی ہے مضبوط تھی اور آگے سے بھی مضبوطی سے ہی چلے گی بہت شکریہ ادا کریں گے ناز شاہ ممبر برٹش پارلیمنٹ اور ادیم یونس دی فاؤنڈر آف پینی اپیل اسی طرح آپ دونوں کام کرتے رہیں اور ہم بھی تھوڑا تھوڑا حصہ اپنا ڈالتے جائیں گے